अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग गुड। फर्स्ट ऑफ़ ऑल इस भूसे भी मुँह के साथ आप सबको ईद मुबारक, और होप सो आप सबका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा। सो इट्स राउंड अबाउट 5:45, हमारी नमाज है 6:30 के करीब। उससे पहले मैंने कहा तैयार होने से पहले एक दफ़ा ईद मुबारक कर लीजिए, ताकि बाद में तैयार हो के फिर जब हम नमाज़ पढ़ने जाएँ उसके बाद आके मीठा खाएँ, सबके साथ मिलें। और लेकिन नो जफियाँ नो पपियाँ, कोविड ईद मनानी है सब हमने, बस हम जाएंगे नमाज पढ़ने। सी यू सून। सो फाइनली मैं तैयार, बस थोड़ा सा हिजाब रह गया कंप्लीट करने वाला, इसको मैंने सही से कंप्लीट करना। वो ये इस तरह हल्का मैंने इसलिए किया क्योंकि मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था, मैंने कहा यार उधर से आके जाने तसल्ली से इसको ठीक करूँगी। दूसरा बाकी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, पिक्चर्स वगैरह जो है वो इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएंगी। बाकी मेकअप बस इतना ही करना, बस इससे ज़्यादा नहीं करना, कोई शौक नहीं है मेकअप का, बस ईद है इसलिए पूरा करना पड़ रहा है। सब हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, फी मानिला। सब हम जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए, जहाँ पे मैं कॉलेज पढ़ती हूँ वहीं पे जो है हम लोगों की ईद की नमाज़ भी अदा होती है। तो ये अंदर से मेरा कॉलेज था, काफ़ी अरसा हो गया इस जगह को देखे हुए, तो काफ़ी टाइम बाद आफ्टर लॉकडाउन यहाँ आए, तो ये हल्की हल्की जो है खुतबे की आवाज़ें आ रही थी। सो थोड़ा सा लेट थे हम, बाकी अलहमदिल्ला नमाज़ हमें मुकम्मल मिल रही थी। यहाँ पे ज़ारों की तार से जो है मर्द हजरात जा रहे थे, और हम लोग इस इंतज़ार में खड़े थे कि कब मर्द हजरात पूरे तरीके से जाएं और अब हम जो है सुकून से घर जा सकें। मीठा हमारे घर में नानों के हाथ पे ही बनता है, लेकिन आज नानों ने कहा कि मैं पास खड़ी होती हूँ और आप बनाऊँगी आज। तो मैं अभी भी देख रही थी कि किस तरह बनते हैं, लेकिन कुछ कुछ मैंने जो है ना स्टेप इसमें किया। मैं जैसे इसमें दूध डालते हैं ना, दूध डाल के खाते हैं इसके ऊपर। ये दिल करे दूध पाए, चीनी दूध घी घी नहीं ऐ पावांगे ना एक चम्मच, अच्छा दाना वखरा वखरा हो जाए। और मार ये सेवइयां तो बिल्कुल तैयार थी, अब इसके ऊपर दूध डालते चीनी डालते कुछ भी डालते उनकी मर्जी। इसको हिलाती रहूं, सबकी फरमाइशों का ध्यान रखना पड़ता है। मेरी मामा की फरमाइश थी कि खुश्क जो है ना सेवियां बनाई दे, तो ये उनके लिए खुश्क सेवियां बन रही थी। फिर लगेंगी तो नहीं अगर खुश्क होंगी तो? नहीं 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 चाहिए नहीं, लड़कों को लगने वाला काम करना है, कौन अंदर टाइम होता है ना, तो हमने चीनी या ताद लगेगी। अच्छा या तो छेंगे तो अच्छा वही रवायती ईद वाला काम हुआ। हम लोग तैयार श्यार होके नाश्ता करके सारे सो गए, और हमें नहीं पता इट्स राउंड अबाउट 3:15 हो रहे हैं, अब 3:15 इट्स राउंड अबाउट 3:15। और अभी हम लोग अभी अभी सो के उठे हैं, गलती से हमारे घर कुछ मेहमान आना आए हैं, हमारे कुछ दोस्त जो खुद अपनी नींदें पूरी करके तो आ गए और दूसरों का सोना हराम करते हैं। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। ईद मुबारक। ठीक है मुबारक। नौ रवायती पपियाँ नौ जफे दफा हो जाए यहाँ से। ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। अब सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लाइट जा चुकी है और गर्मी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन नहीं जी अभी हल्की हल्की हवा हल्की हल्की हवा अभी चल रही है, बंदा सब्र कर लेता बोलने का। और बाकी अब हमने बस खाना पीना है, तस्वीरें तस्वीरें खींचनी है, गंदे गंदे बोल ना बनाओ अब तुम। मेकअप नहीं करता, मेकअप क्यों किया भाई, देखो उत्तर किलो के हिसाब से झूठी। अब ये तो करती नहीं बोरी घरेलू औरत, जिस बंदे का मेकअप में इंटरेस्ट ना हो वो यही कहलाती है फिर, नहीं इंटरेस्ट है। हम तो घरेलू भी हैं और मेकअप भी करते हैं, तभी तो ये देखो किलो के साफ होता था। घरेलू होता है, हवा चलिए से स्लो डाल पे जावे जा। तो जनाब यहाँ पे आते हैं हमारे कुछ सस्ते से स्लोमोज, हम लोग एक दूसरे को तंग किए बगैर तो हम लोग रह ही नहीं सकते। और बस थोड़ा सा मेरा फ़ोटो शूट होना ज़रूरी था, तो बस यहाँ पे शूट हो रहा था, बाकी पिक्चर जो इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी। फाइनली यहाँ पे ख़त्म हुआ आज हमारा ईद का फर्स्ट डे, मौसम काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, फ़ोटो शूट कराया आपस में, हल्ला गुल्ला किया, दोस्त आए गेस्ट आए कज़न्स वगैरह सब इकट्ठे थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा है,
अब होप फॉर द बेस्ट के सेकेंड डे हमारा ईद का कैसा होता है, मौसम कैसा रहेगा कल का। सो होप सो आपको आज का दिन अच्छा लगा हो, और पिक्चर्स वगैरह जो मैं इंस्टाग्राम पे थोड़ी देर तक अपलोड कर दूँगी तो वहाँ जाके मुझे बताना हाउ आई एम लुकिंग टुडे। सो होप सो आपको अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब मस्ट करना। अल्लाह हाफिज़।